हाय गाइस, माय नेम इज़ नितिश एंड यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि हमने अभी रिसेंटली 20,000 सब्सक्राइबर्स का मार्क क्रॉस किया। और होता है ना, जब आप किसी माइलस्टोन पे पहुंचते हो तो आप थोड़ा बैठ के सोचते हो कि यहाँ तक कैसे पहुँचे और आगे कहाँ जाना है। तो अभी मैं बिल्कुल वैसा ही फील कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ कि यार कैसे हुआ, कैसे हम 20,000 तक पहुँचे। तो मेरे दिमाग में तो एक ही आंसर आ रहा है, ठीक 4 महीने पहले अराउंड दिसंबर हमने 10,000 का मार्क क्रॉस किया था और विद इन 4 मंथ्स हम लोग डबल कर चुके हैं उसको। तो आई थिंक ये आप लोगों की वजह से हुआ है और आपको ऐसा लग रहा होगा हाँ बस खुश करने के लिए बोल रहा है, बट ऐसा नहीं है। मैं बहुत जेन्युइनली बोल रहा हूँ, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पिछले 4 महीनों में मैंने बहुत बार लिंक्डइन पे देखा है कि लोगों ने कैंपस एक्स या फिर मेरा नाम प्रमोट किया है, शेयर किया है अपने पोस्ट के थ्रू, या फिर मैंने देखा है लोगों को व्हाट्सएप पे अपने स्टेटस में कैंपस एक्स को प्रमोट करते हुए। तो यार ये आप लोगों की वजह से हो रहा है एंड आई एम रियली थैंकफुल। अगर आपने ये शेयर नहीं भी किया है तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने, पता है, बहुत सारा पॉजिटिव कमेंट दिया है, फीडबैक्स दिए हैं और उन सब चीज़ों को मिला करके ही हम आज 20,000 के आसपास पहुंच गए हैं। ठीक है, तो आई एम रियली रियली थैंकफुल। मेरे को बहुत सही लगता है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जो बहुत कोहेसिव है, जुड़ी हुई है और एक मोटिव के तरफ काम कर रही है कि इसको और बड़ा और अच्छा बनाना है। तो ये तो हो गई कि हमने कैसे अचीव किया 20,000। अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज़ टू यू। अब सवाल ये है कि मेरे दिमाग में व्हाट इज़ द टारगेट, आगे कहाँ जाना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला है, फॉर मी आई हैव सेट अ नंबर इन माय माइंड। मेरे दिमाग में एक नंबर फिक्स्ड है, दैट नंबर इज़ 100K। तो मैं तो पूरे जोश से जाना चाहता हूँ 100K विद इन दिस ईयर 2022 में। आई हैव टू रीच दैट नंबर एंड आई नीड योर हेल्प, और मुझे पता है आप लोग हेल्प करोगे। ऑल्सो जो भी अभी हो रहा है, जिस तरीके से हम ग्रो कर रहे हैं, वो मेरे को बहुत मोटिवेशन दे रहा है और आई एम फीलिंग वेरी पम्प्ड अप। मुझे लग रहा है कि थोड़ा मेहनत करते हैं और थोड़ा और कंट्रीब्यूट करते हैं इस चैनल में और फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बस इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि मैंने 2-3 छोटे छोटे अपडेट्स सोचे हैं इस चैनल से रिलेटेड। प्रिसाइजली 4 चीज़ें हैं फिलहाल और वही 4 चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो सबसे पहला अपडेट है जो अगले वीक से ही इम्प्लीमेंट होने लग जाएगा, वो है कि मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ। पिछले 2 महीनों में मैं थोड़ा बिजी था, मैंने आपको बताया भी था शायद कि मैं एक कॉलेज में प्लेसमेंट ट्रेनिंग करा रहा था एंड इट वाज ईटिंग अप अ लॉट ऑफ माय टाइम, अराउंड 9 घंटे डेली। तो मैं बहुत ज़्यादा चैनल पे फोकस नहीं कर पा रहा था और शायद आप देख भी पा रहे होंगे कि वीडियोज़ का थोड़ा फ्रीक्वेंसी कम हो गया था। तो वो ट्रेनिंग अब ख़त्म है और अब मैं एकदम फुल टू इस चैनल के ऊपर फोकस करने वाला हूँ अगले 6 महीने कम से कम। तो मेरा टारगेट है कि मैं लाइव सेशंस स्टार्ट करूँगा जहाँ पे मैं कुछ कॉम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट टॉपिक्स आपको लाइव आकर के पढ़ाऊँगा वीक में 2 बार। इसका मैंने एक नाम सोचा है, लेट्स कॉल इट कैंपस एक्स लाइव। द टारगेट वुड बी टू टीच डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स लाइव। ठीक है, यूट्यूब पे 2 बार हफ्ते में मैं आऊँगा लाइव और मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ाऊँगा। फिलहाल जो मैंने टॉपिक्स प्लान किए हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक जो मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते से स्टार्ट करने का, वो रहेगा सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चंस। सो मैंने एक वीडियो डाला था पास्ट में जहाँ पे मैंने कुछ 6 घंटे में सीक्वल पढ़ाया था। उस वीडियो का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये उसका काइंड ऑफ बैकअप वीडियो है जहाँ पर हम सीक्वल सीखने के बाद हम ये सीखेंगे कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीक्वल के ऊपर। तो मैं 2 सेशंस लूँगा नेक्स्ट वीक, दोनों लाइव होंगे और वो सीक्वल में जो भी इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके ऊपर होगा। और फिर अगले वीक से हम लोग और टॉपिक्स काइंड ऑफ कवर करेंगे। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट अपडेट, कैंपस एक्स लाइव बोल के एक नई चीज़ स्टार्ट करेंगे, वेयर आई विल कम लाइव एंड आई विल टीच यू गाइस। ठीक है, द सेकेंड थिंग इज कि एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ चैनल में और ये एक्चुअली मशीन लर्निंग से रिलेटेड नहीं रहेगा। सो होता क्या है अभी कि आपका और मेरा रिलेशनशिप बहुत मशीन लर्निंग की फील्ड से ही रिलेटेड है। सो अगर आपने कल को जॉब ले लिया तो मोस्ट लाइकली आपको मशीन लर्निंग वापस आके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑन द गो जॉब पे जो भी सीखा जाता है सीखोगे। तो मोस्ट लाइकली आप वापस नहीं आओगे इस चैनल पे, या फिर अगर आपने मशीन लर्निंग पढ़ना छोड़ दिया तो भी शायद आप वापस नहीं आओगे। तो मैं चाहता हूँ कि यार अगर हम दोनों लोग मिले हैं तो ये स्टोरी कंटिन्यूड रहे। तो मैं कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें इस चैनल पे करना चाहता हूँ जो मशीन लर्निंग से रिलेटेड ना हो, डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इन अ वे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अपना खुद का एक पॉडकास्ट टाइप का स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ।
बाकी आप लोग मुझे फीडबैक में बताना। आई फील मशीन लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ माई एंटायर नॉलेज, मुझे और भी चीज़ों का थोड़ा नॉलेज है, वो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्लेलिस्ट बाय द नेम ऑफ छोड़ो काम की बातें। सो काम की बातें हमारे लिए हो गया मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग से अलग अलग हटके हम लोग कुछ बातें किया करेंगे हर वीक, प्रेफरेबली ऑन सैटरडेज, उस टाइम थोड़ा फ्री रहता हूँ मैं, तो वो एक चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। एक दो वीडियोस करके देखते हैं आपका रिस्पांस कैसा है, अगर अच्छा रहा तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे। तो दिस इज़ द सेकंड थिंग। द थर्ड थिंग इज़ कि मैंने कुछ दिन पहले डिस्कॉर्ड कम्युनिटी स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ उसको ज्वाइन करो। दो फायदे आपको सीधे दिखने लग जाएंगे। पहला ये कि अगर आप कुछ कर रहे हो, कुछ डाउट आ रहा है, कोड फंस रहा है, तो आप सीधे उस कम्युनिटी में जाके पूछ सकते हो। मैं ऑलरेडी नोटिस कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत एक्टिव मेंबर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं दूसरों का, तो आपको भी हेल्प कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको नॉलेज है तो आप ज्वाइन करो, बाकी लोगों को हेल्प करो। ऑल्सो आप वहाँ जा करके अपने लिए कोई स्टडी पार्टनर खोज सकते हो, प्रोजेक्ट पार्टनर खोज सकते हो, जॉब हंटिंग पार्टनर खोज सकते हो। लोग ऐसा कर रहे हैं वहाँ पर, और मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ कि लोग ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हैं और ग्रुप्स में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप क्यों अलग रहना चाहते हो, कम ज्वाइन द कम्युनिटी। मैंने भी कुछ चीज़ें प्लान की हैं, ऑल्दो अभी तक हमने कुछ ऐसा स्टार्ट नहीं किया है, बट मोस्ट लाइकली नेक्स्ट मंथ से वी विल स्टार्ट सम इवेंट्स जिससे कम्युनिटी में थोड़ा और मज़ा आएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट कि ज्वाइन द डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कमिंग बैक टू द फोर्थ पॉइंट, द फोर्थ पॉइंट इज़ कि मैंने इस चैनल पे सुपर थैंक्स का फीचर एक्टिवेट कर दिया है। सो सुपर थैंक्स क्या होता है, आई गेस आपको ऑलरेडी पता होगा। सुपर थैंक्स यूज़ करके आप अपने फेवरेट चैनल्स को फिनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। सो अगर आपको लगता है कि कभी मेरे वीडियो ने आपको बहुत हेल्प किया है, तो अगर आप चाहते हो कि आप मुझे सपोर्ट करो या फिर इस चैनल को सपोर्ट करो या हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट करो, तो आप फिनेंशियली ऐसा कर सकते हो। हर वीडियो में आपके आप मेरे चैनल पे जब भी किसी वीडियो पे जाओगे तो वहाँ पे नीचे आपको एक थैंक्स बटन दिखाई देगा, वहाँ पे आप फिनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हो इस चैनल को और मुझे भी, ठीक है। तो दिस वॉज द फोर्थ अपडेट एंड दैट्स इट, आई गेस इतना ही है फिलहाल, और दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई जस्ट वॉन्टेड टू प्रॉमिस यू कि अभी तक जितना भी था उससे थोड़ा और ज़्यादा मैं इनपुट और एफर्ट डालने की कोशिश करूँगा, एंड लेट्स रीच दैट 100K सब्सक्राइबर्स वाला मार्क विद इन दिस ईयर, दैट्स द गोल इन माई माइंड, प्लीज़ हेल्प मी अचीव इट, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।